एक्चुअली कहते हैं ना, जहाँ भगवान होता है वहाँ भूत होता है, ये वो माई फ्रेंड गणेशा करने के बाद मुझे पता चल गया। वैसे मैंने जो लास्ट फिल्म की थी उसमें मेरे साथ रियल में एक इंसिडेंट हुआ था। हमारे सेट पे एक टेक्नीशियन है जो पजेस हो चुकी थी, जिसके अंदर भूत आ चुका था, और रजनीश प्रूफ है उस बात का, उन्होंने भी देखा था। वहीं से इस फिल्म का आइडिया आया। फिर गौतम जी मिले, इन्हें बहुत अच्छी लगी कहानी। बाकी आपके सामने रजनीश है, सोनारिका है, हितेन है, विशाल है, अमीर है, इन सबका सपोर्ट रहा। पिक्चर में बहुत मेहनत की गई है, हमने 20-20 घंटे मॉरिशस में शूटिंग की है। और वैसे मॉरिशस के संदीप जी हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है। मैं बोलूँगा उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। और बाकी तो जो भी कुछ है वो हमारे आर्टिस्ट आपको बताइए कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा फिल्म में। तो मैं चाहूँगा पहले सोनारिका से चालू करूँ, क्योंकि शी इज़ अ वेरी फेबुलस एक्ट्रेस, और मैं चाहूँगा आप बोले। So Sonarika, for even you, from Parvati to a girl who's possessed and ekdam bhuto mein and all that, how was it, the journey? It was very, very different characters. Yeah, it's a very different character, but it's a very today's girl, and a very girl next door kind of, I mean, not the character, but the girl. So yeah, it was different for me, and from Parvati to Shireen, that's my character name in the film. So it was wonderful working with everyone, and horror is something that I run away from. Yeah. So I mean, everyone in my family is embarrassed to watch a horror film with me. So I thought this would be something new for me, and hopefully I won't be as scared after working in the film. So yeah, it was a very nice experience, and I thoroughly enjoyed myself. Are you wanting the audience to break that image of Parvati with this movie? Ek hota hai na ki ek... Itna socha nahi maine kabhi. Nahi, itna nahi socha. I just wanted to do something different, and I went ahead and I did it. So, yeah. Thank you so much. Can we have a huge round of applause for her, please? Thank you. And Rajnish, he's a pro at horror movies now. हाँ, मतलब मैं जब बोलता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ट्रेलर में भी बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे लिटरली लग रहा है मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसे, क्योंकि आई हैव सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ भूत इश्यूज. सो बट यहाँ पे ऑब्वियसली 1920 वाज डिफरेंट, दैट वाज वी यूज द हनुमान चालीसा इन इट, एंड यहाँ पे कुछ और फैक्टर है, और हितेन है, मैं हूँ जो सोनारिका की मदद करते हैं, एंड उससे आगे बताऊंगा तो सब रिवील हो जाएगा. Was it very easy for you to do a horror film? You've worked before also. Besides 1920, I haven't done a horror film. In fact, this was one script which Rajiv ji once told me. Uske baad mujhe itni achhi lagi ki I could not say no. In fact, I was running away from it. I said, sir, mere ko aur abhi horror nahi karni hai. And because I've done a lot of thrillers and one horror. So, but jab unhone story sunai, to mujhe laga ki yaar, ye definitely isme bahut bahut dam hai. And फिर क्लाइमैक्स पे थोड़ा रीवर्क किया, और उसके बाद जब दोबारा उन्होंने सुनाई तो आई वाज टोटली टेकन अबैक. आई सेड आई एम डूइंग इट, एंड यू नो हितेन केम इन, एंड द ओवरऑल कास्ट बिकेम वेरी स्ट्रांग, एंड वी जस्ट फेल्ट दैट यू नो दिस दिस वुड गो टू अनदर लेवल. ओके, एंड यू वर्कड विद सर राजीव सर बिफोर, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अगेन? वी हैड डन अ फिल्म कॉल्ड डायरेक्ट इश्क, व्हिच वाज एक बनारसी लौंडे का लौंडे की कहानी थी. उसमें एक बनारसी लड़की भी है जो रॉकस्टार होती है, निधि, एंड दैट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस. वी वर इन बनारस, हमने पूरी शूट वहीं की है, और मतलब वर्किंग विद हिम वाज वेरी गुड, बिकॉज आई थिंक टेक्निकली इज वेरी साउंड, एंड उनको कहानी का भी, हमारे साथ जो राइटर थे उस पर वो भी कहानी बाज हैं, एंड मतलब वो पूरा वो वहीं के हैं, तो उनको सब कुछ पता था कि इसको कहाँ से क्या मोड़ना है और कहाँ पे लेके जाना है. तो ओवरऑल डायरेक्ट इश्क आई थिंक वाज आल्सो ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम, एंड ऑब्वियसली थ्रू दैट आई केम इनटू दिस. थैंक यू सो मच. एंड हितेन, yes, you are playing a very different character what I saw in the film, and yes, so how was it, how was the experience? Well, experience was lovely, and I have done a horror film before. I mean, I've done Krishna Cottage, not exactly on the same lines, but then the character, yes, I've done all kind of characters, but this, you know, particularly appealed to me. Why I took it is like, you know, he's a different kind of a guy. He's not shown as a regular you can say tantric or something.
he knows what he's talking about. He knows, he basically talks to spirits and all. So that's where he specializes. And that's how, you know, that's why I said, ki for first class, chalo kuch aisa karte ki jahan asliyat mein to kabhi bhoot se baat nahi kiya, aise hi to karke dekh le. You know, lovely experience. And, you know, we shot at such beautiful locations. Beautiful for us, but beautiful, when you, yeah. But when you, yeah, when you see it on screen, they're very scary, very scary. And, you know, sometimes it so happens that ke aap shoot karte ho aur aap sochte ho ke ye yahan se aaya to aisa lagta hai sach mein koi aaya. It used to happen. Kyunki hum shoot hi aise time pe kar rahe the raat ko 2 baje 3 baje to aisa lag raha tha ha bhai aaya yahan se aaya. To aap jitna bhi dar dekhenge jitne bhi reactions dekhenge sab asli dekhenge kyunki hame waqai mein laga koi aaya kisi ne pakda. So you know, it was lovely, wonderful working with the whole entire cast here. And of course Rajiv ji ne kuch aisa मतलब फेंका ना तीर के मैं ना नहीं बोल सका, समझे आप? क्या उन्होंने बोला? नहीं, अरे आपसे अच्छा एक्टर कोई हो ही नहीं सकता, ये आप ही कर सकते, ये यू कैन ओनली डू दिस. सो यू नो, बट ऑल सेड एंड डन, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ और भी करना चाहिए, कुछ हटके भी करना चाहिए. सो दिस वॉज वन हटके कैरेक्टर विच आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई डिड इट. आई होप पीपल लाइक इट. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वी पुट इन all our efforts, we put in a lot of hard work, and all said and done, it wouldn't have been possible without the support of Mauritian government, without the support of one man who is sitting here, Mr. Sandeep. In the white jacket. Yes. Please, are you? So, you know. Nein, you will have to come up here. Ek baar shakal to dikha do yaar. Matlab, at least, hi to bol do. Hi bol do ek baar. This is the guy from MFDC. He's the main man responsible. He is the guy. Sandeep. Yes. One more guy who is sitting very quietly here and who is telling everybody to get up, aap jao, Mehul. He is our guy who has made these beautiful people he's dance. The main choreographer. You know, so he's a choreographer. So please director. Give him a big hand, Mehul. Big hand for you. He's done a lovely job. Jab aap gaane dekhenge, tab aapko samajh mein aayega. Hum logon ne gaane aap logon se chupa ke rakhe hain. ताकि जब आप देखो तो उसकी तारीफ आप बाद में करो, अभी पहले ट्रेलर की तारीफ करो. सो आई थिंक आई स्पोकन अ लॉट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी. लेट्स मूव टू बेबी. या बेबी, व्हाट्स योर रोल इन द मूवी? आई एम द स्मॉल सिस्टर ऑफ माय दीदी. ओह माय दीदी, सो क्यूट. दैट इज सो क्यूट. डू यू फाइट विद द घोस्ट टू? Yes. Yes. Yeah, at the last I was, so the ghost was there. Yeah. So dar laga aapko? Did you get scared on the sets ki asli mein na aa jaye, sach mein? Yeah. Yeah. Yeah, I was scared. But then also like when my father comes, that time I was not scared. Who's your father? The director. Oh. I thought she's saying in the movie when my father comes out. Okay, then you're like, Papa's there. Koi baat nahi. Thank you so much. Zora taali ho jaye for this cutie, please. And yes, please, sir. Hi. I don't know, Rajiv ji. Aap hi bole. It's better if you talk on my behalf. Main yahi kahunga, it's been a good experience. I didn't get to shoot with any of these apart from Sonarika, but maza aaya, and it's a great team to be with, and I think the rest, Rajiv, if we baat karenge to better rahega. Thank you. Achha, I would like to invite the writer and the DOP of the movie also on stage, please. The choreographer also. And the music director is already here, Vivek. So Vivek, how was your experience directing like songs for a bhoot ki film? Yeah, actually bhoot ko rakhi gana banaya gaya tha. Romantic and when Rajiv ji bhoot ko mind mein rakhe, when Sonarika came on board aur zyada easy ho gaya imagine karne ke liye to make romantic songs. Rajnish is a good buddy. तो जब भी गाने बनते थे मैं, राजीव सर और रजनीश, हम तीनों साथ में सुनते थे. ही यूज्ड टू गिव आइडियाज, सबके आइडियाज आते थे. गौतम जी द प्रोड्यूसर, मतलब इतना इमेंस फ्रीडम दिया सिंगर सिलेक्शंस में. आई सेड मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सिंगर कुछ नहीं बोला कि कौन क्या. ही जस्ट सेड ओके यू गो अहेड. क्रिएटिव फ्रीडम राजीव के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है, ही डजंट इंटरफेयर एट ऑल.
अगर एल्बम चलती है क्रेडिट गोज टू मी, फ्लॉप होती है तो इनके. बट या टू बी ऑनेस्ट आई वुड से सोनारिका रजनीश द वे दे आर लुकिंग आई वुड डाई टू लाइक आई वुड थिंक कि गाना और शायद अच्छा बन सकता था बिकॉज दे लुक सो फैबुलस इन दिस सॉन्ग्स. थैंक्स टू मेहुल हु मेड इट पॉसिबल टू एंटायर टीम लिटरली आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू. And we would also like to say a big thank you to the government of Mauritius for providing all support. With their support, to complete the film, it wasn't possible at all. And a special thanks to Air Mauritius, India team, Nelson and Girish. Can we have a huge round of applause for them, please? And this is the team of Sase, The Last Breath. So I'm sure bahut hi scary sa trailer tha, and everyone is very excited to watch it. Yes or no? Yes. Yeah. फिल्म 11 नवंबर को रिलीज हो रही है और हम सब की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग देखिए. उम्मीद है पिक्चर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू वेरी मच. बाय. एंड थैंक्स टू ऑल द मीडिया फॉर कम हियर. और हम सब की तरफ से थैंक्स आप लोगों को कि आप लोग आए, अपना कीमती समय दिया. थैंक यू. और सॉरी लेट होने के लिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत था. अच्छा, इफ एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन टू आर्टिस्ट दे कैन. मेरा सवाल आपसे है. सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा ट्रेलर लगा मुझे और आपका जो किरदार है वो अक्षय कुमार की जो भूल भुलैया फिल्म थी उससे काफी मिलता जुलता है, तो आपने क्या इंस्पिरेशन ली थी इस किरदार के लिए और क्या प्रिपरेशन की थी? इस कैरेक्टर के लिए मेरे को ना 2 दिन रात को ना फिल्म सिटी में अकेले घूमना पड़ा बेसिकली समझने के लिए कि ये आदमी ऐसे कैसे होते हैं, कि मतलब जिनको एक्चुअली कैसे दिख सकते हैं भूत, मतलब क्या होगा उसके दिमाग का, साइकी क्या होगा, वो कैसे होगा. तब मुझे समझ में आया कि मुझे जो अपना ये जो रूप है ना, जो एक्चुअली मैं सबसे बात करता हूँ और प्यार मोहब्बत से मिलता हूँ, वो तोड़ना पड़ेगा. ये ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं ना बहुत इगोइस्टिक होते हैं. ही इज वेरी इगोइस्टिक. सीके बीर नाम है मेरे कैरेक्टर का, बहुत इगोइस्टिक है वो, ऐसे वैसे केस लेता भी नहीं है. और ये इसमें भी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसने इनकी मदद की, ये अपने फायदे के लिए, क्योंकि इसे लगा कि ये एक जो है ये कुछ अलग केस है इसका, तो आई विल हेल्प हर. यू नो डिफिकल्ट केस लेने में, अब सामने दिख जाए उससे तो आराम से बात करता है. हम लोग इतने डिटेल में नहीं गए, बट ब्रीफ ये था कैरेक्टर का कि इसके सामने होते ये ऐसे बात करता रहता है. पर हम ये दिखा दें ना तो लोग बोलते हैं आपने वो इंग्लिश पिक्चर में जो कॉपी किया वो बैठ के बात करता है भूत से, वो सब हम लोगों ने निकाल दिया. अभी हम लोग ने डायरेक्ट अप्रोच रखी है इसकी, हमने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया. बस इसका लेकिन ब्रीफिंग ये था कि ही कैन सी स्पिरिट्स एंड ही कैन टॉक टू देम, बट दिस वन वाज अ डिफिकल्ट वन, तो इसको इसे पकड़ना था. जिसमें ये भी बहुत मार खाता है, आप देखना, आप देखेंगे कितनी मार खाई है मैंने. बहुत बहुत मतलब बहुत क्या बोलू. डायरेक्टर साहब से मेरा सवाल है कि बच्चों की फिल्म आपने दी, फिर रोमांटिक फिल्म भी आई, अभी हॉरर प्लस रोमांटिक आ रही है, तो हॉरर फिल्म बनाना कितना मुश्किल रहा या इसकी स्क्रिप्ट लेवल पे अगर आप थोड़ा चर्चा कर सकें? देखिए बेसिकली आई एम अ वीएफएक्स गाय, आपको पता है मैं वीएफएक्स में हूँ, तो हॉरर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा. हाँ, मेकिंग वाइज हॉरर में बहुत ज़्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ा था और मेरे साथ एक हादसा हो चुका था. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक पिछली फिल्म डायरेक्ट इश्क में एक रियल में हादसा हुआ था, वहाँ से कंटेंट बाहर आया था और मेहनत तो बहुत की गई है इसके ऊपर, बहुत रिसर्च किया गया हुआ इसके ऊपर, राइटर टीम्स ने बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया, उसके बाद इस फिल्म बन पाई. रजनीश, ये जो भूत प्रेत होते हैं या जो भी होते हैं, इन पे आपका कितना यकीन है? कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आप शेयर करना चाहें? जी, इन पे यकीन तो मेरा है और इनफैक्ट मैं बचपन में डरता भी बहुत था. टिल अबाउट माई 3rd or 4th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड, मतलब इनफैक्ट अकेले अगर कभी बाथरूम भी जाना होता था तो मेरी लिटरली फट जाती थी. सो आई यूज टू टेल माई ब्रदर कि यार लाइट ऑन कर दो. एंड बट उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा सीखी थी तब, एंड उसके कहीं कहीं जगह पे इनफैक्ट वंस वी वर इन ऊटी
I did have an experience like this, जहाँ पे होटल के कमरे में we did see some like a glimpse of a shadow. उसके बाद शिमला में एक बार हम लोग थे joint family का हमारा एक summer trip जो था, तो वहाँ पे hotels जो होते हैं वो उनके minus levels पे rooms होते हैं. तो -3 पे सारे बच्चे रुके हुए थे, -4 पे सारे बड़े थे. तो बुआ वगैरह के रूम में सडनली बुआ की चीखने की आवाज आई एंड वहां पे नहीं ट्रू है तो मतलब वो जैसे हम लोग सारे बच्चे भाग कर आए उनके पास सबने पूछा कि क्या हुआ है. शी वॉज इन द वॉशरूम वॉशिंग अ फेस, एक दीवार से दूसरी दीवार पे निकल के एक मतलब एक आत्मा कह लो या सोल कह लो वो निकल के गई. कुछ कहा नहीं उसने, लेकिन मतलब आप सोचो कि अगर ऐसा हो तो आपके साथ क्या होगा, वॉट विल यू थिंक अबाउट इट. सो तब से मतलब इट इज नॉट दैट आई डोंट बिलीव इन इट, आई डू बिलीव इन इट, लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप आई एम श्योर इट वॉन्ट हार्म यू. बट यस हम भगवान का नाम लेते हैं, यूजली लोग डर के लेते हैं या जब दुख में होते हैं तब लेते हैं, बट इसलिए कहते हैं कि नाम लेते रहना चाहिए एंड वो आपको बचा के रखेगा. हितेन आपने चश्मे को एकदम दबंग स्टाइल में रखा है अभी. हाँ पीछे तो से, ये आगे तकलीफ दे रहा है मुझे, बाकी कोई स्टाइल नहीं मार रहा हूँ मैं ऐसे, इधर ये गिर रहा है बार बार. मैं वही जानना चाह रहा था कि आप सलमान और उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या ये आपका स्टाइल है खुद का. नहीं एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब कॉलेज में थे तो कॉलेज से ये चल रहा है, मतलब है पुराना, किसी ने फोटो वोटो नहीं निकाली तो इसलिए किसी को पता नहीं है. अब कौन किसको कॉपी कर रहा है पता नहीं, कौन इत्तेफाक रख रहा है आई डोंट नो, यू नो ये तो हम लोग सिगरेट पीते थे तो यहाँ रखते थे पैकेट, अगर आपको पता हो कहीं पे भी जाते थे तो ये पैकेट यहाँ रहता था. बट वो किसी ने फोटो नहीं खींची तो कभी आया नहीं, पर इधर आ गया तो सबको पता है ये इसका स्टाइल है, तो यू नो आप बोल सकते हैं. राजीव कितनी मतलब सच्चाई से कितनी करीब या परे है ये फिल्म, कुछ असली घटनाओं को भी आपने शामिल किया. हाँ वैसे जब हम लोग राइटिंग पे बैठे थे तो काफी कुछ इसमें से जो राइटर्स टीम है उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ डाली जो रियल से कनेक्टेड है. और फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊंगा कि सोनारिका का जो सीक्वेंस था वो एकदम रियल हमारे साथ हो चुका था, तो वो एज इट इज़ सोनारिका को हमने दिया गया था, वो कैरेक्टर उसको एज इट इज़ से प्ले करवाया गया, लेकिन सोनारिका ने 200% अपना दिया हुआ इस फिल्म में. और राइटर लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किए थे, काफ़ी काफ़ी कुछ रियल आपको इसमें देखने को मिलेगा. सोनारिका मेरा सवाल आपसे है, आपने टीवी किया है अभी बड़े पर्दे पर आ रही है, तो क्या डिफरेंसेस महसूस किया आपने टेलीविजन और बड़े पर्दे में. टू कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन, यू नो सोनारिका डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट इन बॉलीवुड. अमूमन ऐसा होता है कि आप एक रोमांटिक फिल्म करते हैं और एक किसी यू नो सो कॉल्ड बड़े लीजेंड एक्टर का बेटा आपके साथ लॉन्च होता है, ऐसा अमूमन होता है, ऐसा कुछ है नहीं सासे में जहां तक मैं देख रहा हूँ. डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ रोमांटिक फिल्म यू चूज अ हॉरर रोमांटिक फिल्म. सी जब मैं महादेव कर रही थी तब भी लोगों ने कहा था कि यू नो एक स्टेरोटाइप हो जाते हैं, कैटेगराइज ये लोग कर देते हैं कि नहीं अगर तुम अभी भगवान प्ले करोगे तो लाइफ भर पब्लिक यही बोलती रहेगी कि यू नो यू आर अ गॉडेस. एंड मैंने तब भी आगे जाकर ये किया, पार्वती का रोल प्ले किया एंड आई डिडंट पे मच अटेंशन टू व्हाट पीपल हैड टू से. मुझे तब सही लगा तो मैंने वो किया. एंड सिमिलरली अभी यहाँ पे भी जहाँ तक इस फिल्म की बात है, आई मेट राजीव सर और उन्होंने जब मुझे स्टोरी नरेट की आई लाइक्ड इट एंड आई वेंट अहेड एंड आई डिड इट. मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि अच्छा मुझे ब्रेक कैसा मिल रहा है या यू नो कोई स्टार सन हो या स्टार किड हो उसके साथ मैं लॉन्च हूँ, इतनी बड़े बजट की फिल्म हो धर्मा यशराज, ऐसा कुछ दिमाग में था नहीं, कभी इतना प्लान नहीं किया मैंने. तो आई एम करेंटली वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन और मैं बहुत खुश हूँ और थैंकफुल हूँ कि राजीव सर ने मुझे ये चांस दिया एंड आई गॉट टू वर्क विद रजनीश एंड हितेन एंड ऑल दीज वंडरफुल पीपल. आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. ओके मेरा अपार्ट फ्रॉम दिस थैंक यू सो मच. द क्वेश्चन गोज टू रजनीश और सोनारिका एंड द डायरेक्टर इवन टू यू यू नो हितेन. ट्रेलर देखते ही एक बात का एहसास होता है, इट रिमाइंडर्स ऑफ, जैसे मेरे कलीग ने कहा किसी फिल्म के साथ कंपेयर किया उन्होंने, राज की भी याद आती है, द वेरी फर्स्ट राज, यू नो रजनीश कहीं मुझे दीनू मौर्या में नजर आते हैं, सोनारिका में बिपाशा नजर आती है और आप आशुतोष राणा नजर आते हैं जो आते हैं और पूरी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं. देल बी यू नो देल बी द ट्रेलर गिव्स मी दैट फील. व्हाट्स योर टेक, योर व्यू ऑन दैट? यू नो आई एम श्योर देयर विल बी कंपैरिजंस, आई एम श्योर बिकॉज़ दे हैव यू से कोइंसिडेंटली और इंसिडेंटली, मतलब ऐसा है कि वैसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं
बट वो कितने सिमिलर हैं दैट यू विल कम टू नो आफ्टर यू वॉच द होल फिल्म बिकॉज वी हैव केप्ट इट टोटली डिफरेंट अप्रोच बिकॉज हमें भी पता था कि ये तो सब जगह होता है. इनफैक्ट अगर आप ऐसे बोले कि यू हैव सीन दैट मूवी गोस्ट हंटर निकोलस केज की, वो भी एक अलग टाइप का कैरेक्टर है, गोस्ट राइडर सॉरी, मतलब वही है. तो यू नो कंपैरिजन तो होंगे ही होंगे बट देन वी हाउ यू नो डिफरेंट वी डू इट एंड हाउ डिफरेंट द अप्रोच इज बेसिकली किस तरह से दिखाया गया और वो किस तरह से इसने अपना अप्रोच रखा है. सब एक एक एक्टर का अप्रोच डिफरेंट होता है. तो दैट यू विल गेट टू सी दोस गाइस प्रोबेबली डिड द सेम कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वे. आई एम डूइंग द सेम कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वे वेयर इन ऑफकोर्स कंपेरिजन आर नेचुरल. रजनीश सी एज़ आई सेड कि कैरेक्टर के कंपेरिजन डेफिनेटली होंगे. कैरेक्टर और स्टोरी कंपेरिजन आर बाउंड टू हैपन. आप एक ट्रेलर देखते हैं तो आपको लगता है या तो किसी हॉलीवुड फिल्म से या बॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड है. If there's a comparison with Raj, you know, no, do you think no, it's a good sign? It's not about ki it's a good sign or a bad sign. I just feel ki definitely, matlab ek kahani jab jahan pe bhoot hai, to wahan pe there's bound to be a ghost rider. Matlab so, and there is, it is a love story slash horror. So it has to have a lover and a, matlab two lovers and a ghost rider also. So now, to, okay, so let her, you know, your view on that. actually, there's a show which has to be started here, sir. I understand. Let her complete. We will wind up. We can ask questions outside the theater also. इतनी देर में तो सवाल जवाब दे चुकी होती. I mean, I don't have anything different to say, but it's just like the genre, you know. If अगर हम romantic की बात करते हैं, तो आदि से ज़्यादा love stories Romeo और Juliet के adaptations होते हैं. You know, ऐसी कितनी Bollywood films हैं जो, you know, they come down to the same thing ke dono lovers end mein mar gaye. So I mean, you can't really compare, you know, the idea is the same but every character is different. So you'll definitely get to see something new here, but I mean the idea is the same. It's a horror. It eventually yeah. comes to the treatment. Yeah, exactly. Of, yeah. As an actor ki actor kaise use treat kar raha hai aur as a director ki unhone us story ko kaise treat kiya hai. Matlab kaise unhone dikhaya hai.